सब्सक्राइब करें स्ट्राइक एंड पॉकेट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए कैरम रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ब्रश, पिछले वीडियो में मैंने ग्लांस के बारे में बात की, कैसे आप एक पीस को टच करके दूसरे पीस को मार सकते हो, लेकिन ग्लांस में आप पहली पीस को थोड़ा ज़ोर से मारते हो, लेकिन ब्रश में ये अलग डिफरेंस होता है कि ब्रश में सिर्फ आपको एक स्लाइटली टच करना है उस पीस को। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे ये काम करता है, कब ब्रश काम करता है, ग्लांस कब करता है, उसके बारे में मैंने बात कर ली है ऑलरेडी। तो ब्रश कब काम करता है, कैसे आप ब्रश को इफेक्टिवली खेल सकते हो और कब कब इसको इस्तेमाल कर सकते हो, यही सब कुछ मैं इस वीडियो में आपसे आगे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है अशरफ खान और आप देख रहे हैं स्ट्राइक एंड पॉकेट कैरम लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस कैरम लर्निंग प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रिसाइज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। प्रिसाइज वांट मैक्सिमम पीपल शुड लर्न कैरम एंड एंजॉय दिस गेम विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। बेस्ट कैरम इक्विपमेंट्स बाय प्रिसाइज एलिगेंट। अब ब्रश का मतलब समझ लेते हैं। ब्रश का मतलब स्लाइटली टच करना है। ग्लांस मतलब पूरा इसको सेंटर में, सेंटर पॉइंट लगता था, लेकिन ब्रश में ये सेंटर पॉइंट नहीं होगा, ये कट होगा। मतलब आपको डिफरेंस समझ लीजिए। सबसे पहले ग्लांस मारना है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर में रहता है, ब्रश मारना है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट साइड में रहता है। आप ग्लांस मारते हो तो ऐसे में आपका स्ट्राइकर थोड़ा सा स्ट्रेट रहेगा। मतलब अभी लेट्स टेक एग्जांपल, ये आपको ग्लांस मारना है तो आपको यहाँ से मारना पड़ेगा, लेकिन ब्रश आपका स्ट्राइकर ज़्यादा घूमेगा। मतलब स्ट्राइकर का जो डिफ्लेक्शन है, अगर आप कट मारते हो तो स्ट्राइकर थोड़ा ज़्यादा घूमता है, तो ऐसे में ब्रश का पोजीशन, ब्रश में हमेशा स्ट्राइकर थोड़ा सा खड़ा आपको लगाना है और बस टच करना है उसको, यहाँ पे कट करना है और वो कॉइन पॉकेट में जाएगी और ऐसे में आप इस कॉइन को इजीली खेल सकते हो। और ऐसा अगर पोजीशन आता है ये कॉइन यहाँ पे है, तो ऐसे में आप इसको ग्लांस भी नहीं खेल सकते क्योंकि यहाँ पे सेंटर पॉइंट मारने के लिए जगह ही नहीं बचती, तो ऐसे में आपको ब्रश ही खेलना पड़ेगा।
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहा है तो औरों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कैरम रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और कैरम रिलेटेड आप कोई भी प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट पर जाके, आप हमारे ऑफिशियल स्टोर ऑनलाइन स्टोर पर जाके इस कैरम रिलेटेड सारा सब कुछ ईजिली परचेस कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैरम स्टैंड, लैम्प स्टैंड, कॉइन सेट, स्ट्राइकर पाउडर या जितने भी बाकी के सारे इक्विपमेंट्स हैं, आप इजीली आसानी से उन सभी को परचेस कर पाएंगे हमारे स्टोर से जाके। तो और अगर आप मेरे साथ और जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे ब्लॉग चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टे ब्लेस, स्टे फोकस्ड, कीप प्लेइंग एंड कीप लविंग कैरम। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। And we'll grow.